आज होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो आज का टॉपिक है वो हो ड्राई कफ, जिसको ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी जिसे कहेंगे हुपिंग कफ, मतलब कुकरी खांसी जिसे कुकरी खांसी से आम सामान्य भाषा में बोला जाता है कुकरी खांसी में मेडिसिन बन जा रहा हूँ। सामान्य तौर पर ये जो क्यों होता है इसलिए थोड़ा सा बताऊँगा कि वायरल हो गया है, बुखार हो गया है, उसके बाद कई बार गले में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, दवाई से कफ काफ़ी हद तक सूख जाता है, तो उसके बाद कफ बाहर निकलता नहीं है, तो हुपिंग कफ मतलब कुकरी खांसी होने लगती है। और इसके साथ साथ में कई बार शरीर में जो हमारे शरीर है उसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिन जो निकालते हैं हमारे फेफड़े निकालते हैं, फेफड़े सही ढंग से टॉक्सिन को निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके वजह से भी एलर्जी के मारे भी हुपिंग कफ होने लगता है। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए दवाई नोट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से विनती है कि नए जो मेहमान हमारे देख रहे हैं इसको उनसे विनती है कि वो सब्सक्राइब का बटन जोर दबा लें, और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें, और साथ में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में फेसबुक में शेयर भी जरूर करें ताकि लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं वो पूर्ण रूप से निजात हो जाए। हाँ, एक काम जरूर करिएगा कि अगर आपका कोई किसी चीज़ का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझको नया नया अपडेट मिलते रहे, ताकि मैं नए नए वीडियो आपको अच्छे से वीडियो बना के भेजता रहूँ। चलिए बिना रुके बिना देरी करे हुए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है, अगर शुरुआत में अगर हुपिंग कफ हो रहा है, खांसी हो रही है 24 घंटे 36 घंटे 28 घंटे में, तो एक्यूनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूनाइट दो बूंदे ले ली, 10 मिनट का दो बूंदे ले ली, 10 मिनट का दो बूंदे ले ली, 4-5 खुराक लेंगे इस तरह से शाम को, सुबह शाम ले लेंगे एक दिन, और मेरा मानना है कि शुरुआत में इसी से आराम मिल जाएगा। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो उसकी अगली मेडिसिन है, फिर आपने एक्यूनाइट को नहीं लेनी है, एक ही दिन एक्यूनाइट लेनी है, उससे आगे एक्यूनाइट नहीं लेनी है, 3 खुराक सुबह 3 खुराक शाम। अगली मेडिसिन है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा 30 पावर में 2 से 5 बूंदे सवेरे दिन में शाम को, इसको लगातार लीजिएगा 1 हफ्ता 10 दिन तक लगातार। इसके साथ साथ में अगली मेडिसिन है जेस्टेशिया ऑयलेटा, जेस्टेशिया क्यूब मधुसिंचर को 10 से 15 बूंदे सवेरे दिन में शाम को लेंगे तो बहुत सा फायदा होगा। चलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लेंगे एक्यूनाइट, एक्यूनाइट की एक डोज ले ली, 10 मिनट का दूसरी ले ली, 10 मिनट का तीसरी ले ली, सुबह शाम ले लेंगे एक दिन, तो काफ़ी हद तक शुरुआत ही है तो इसी से आराम पड़ जाएगा। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता, दूसरे दिन दिक्कत आती है, तो दूसरे दिन से आप डोसा लेंगे 2 से 5 बूंद सवेरे दिन में शाम को, और इसी तरह से जस्टिशा लेंगे आप 10 से 15 बूंद आधे कप पानी मिलाते हुए सुबह दोपहर शाम। नए वीडियो के साथ में कल ही मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।